मित्रों, आज मैं आपको हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश का पार्ट टू बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप कैसे तलाशेंगे, कैसे मालूम करेंगे, क्रिया फिर उसके बाद सब्जेक्ट फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आज मैं आपको उसका दूसरा सेशन बताऊंगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड आते हैं उनका क्रम आप कैसे रखेंगे और किस प्रकार से आप उसे आगे बढ़ाएंगे। इतना जब आप कर लेते हैं तो आपका वाक्य लगभग 60% सही हो जाता है। इसके बाद एडवर्ब शुरू हो जाता है, इसमें एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब की स्थिति ज्यादा अच्छी मानी जाती है इसमें। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आप उसे बनाएंगे। पहला वाक्य लेते हैं, हम 4 बजे से इंदिरा गांधी पार्क में अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। जैसा मैंने बताया था कि पहले क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब पता चल गया, रहे थे है, इनकी या तो पास्ट कंटिन्यूस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि टाइम दिया गया है कहीं 4 बजे से, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। आपने लिख लिया भाई, ये तो भाई परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसके बाद आपने कहा इंतजार करना वर्ब हो गई, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कौन इंतजार कर रहा था? हम इंतजार कर रहे थे, ये भी हो गया। किसका इंतजार कर रहे थे? अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा इंदिरा गांधी पार्क और कब से, तो इसके लिए हम कई क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है हाउ, एक आता है व्हाई, एक आता है व्हेन, एक आता है व्हेयर, और भी हैं, ये मस्ट है। हाउ का जब प्रश्न करने पर आंसर मिलता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहने लगते हैं उसे, कि ये मैनर आ गया। या जाता है आंसर व्हाई का प्रश्न करते हैं तो एडवर्ब ऑफ रीजन निकल के सामने आ जाता है, और जब व्हेन का प्रश्न करते हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम निकल के आ जाता है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस तब आएगा जब हम वेयर का प्रश्न क्रिया में करेंगे। तो हम सबसे पहले हाउ का प्रश्न करेंगे, उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा, चाहे आप देख लेगा। कैसे इंतजार कर रहे थे? पता नहीं है। बेचैनी अगर होती, बेचैनी से तो आ जाता। क्यों इंतजार कर रहे थे? पता नहीं है। कब इंतजार कर रहे थे? 4 बजे से। अमूमन देखा जाता है जनरली कि एडवर्ब ऑफ टाइम का जो पोजीशन है वो सबसे लास्ट होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का जो पोजीशन होता है, स्थिति होती है, वो लास्ट होती है, उससे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है। हमने कहा कहां इंतजार कर रहे थे? इंदिरा गांधी पार्क पे।
तो देखिए पहले इसको बना लें। आपका कर्ता प्राप्त हो गया था, हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गई हैड बीन है, वेटिंग क्रिया मुख क्रिया है इसका, और हिज फ्रेंड अपने मित्र का, हम है तो अवर आ जाएगा, और फ्रेंड कहां कर रहे थे, एट इंदिरा गांधी पार्क, निश्चित स्थानों के लिए एट का प्रयोग होगा। अब उसके बाद कब कर रहे थे, 4 बजे से, सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, फोर ओ क्लॉक है सिंपल। अभी और भी सिंपल बनाएंगे, देखते जाइए आप, अभी और भी सिंपल होगा, बस आप प्रश्न करना ना चूके, प्रश्न जरूर करें, प्रश्न क्या होता है कैसे करते हैं इसको देखते जाइए। प्रश्न का सबसे बड़ा रोल होता है। अगला देखें, गरीबों की मदद करने के लिए आकाश ने रविवार को गरीबों की मदद करने के लिए आकाश ने रविवार को रामलीला मैदान में गेहूं वितरित किए। फिक्र मत करिए, डोंट वरी कि हाउ लॉन्ग द सेंटेंस, बट कंसंट्रेट एंड पुट अप द क्वेश्चन विद द वर्ब, यू गेट अ आंसर एंड पुट इन ऑर्डर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। रिमेंबर ऑलवेज योर स्ट्रक्चर वर्ड ऑर्डर। वितरित करना किए क्रिया को दर्शा रहा है, वितरित मैन वर्ब हो गई आपकी, कौन वितरित कर रहा था आकाश सब्जेक्ट हो गया, किसकी मदद करने के लिए गरीबों की मदद करने के लिए, ठीक है। अब इसको हम सेट कर सकते हैं कब, रविवार को यानी कि ये टाइम है, कहां यानी कि रामलीला मैदान में, प्लेस है, क्या वितरित कर रहा था गेहूं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, रख दीजिए। आकाश डिस्ट्रीब्यूटेड क्या वीट, ऑब्जेक्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड वीट, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं है, कहां एट राम लीला ग्राउंड आकाश डिस्ट्रीब्यूटेड वीट एट रामलीला मैदान टू हेल्प द पुअर ऑन संडे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति में जब एक फ्रेज बीच में आ जाए तो हम इसको आगे रख सकते हैं, जिससे कि अर्थ में हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। टू हेल्प द पुअर गरीबों की मदद करने के लिए आकाश डिस्ट्रीब्यूटेड भी एट रामलीला ग्राउंड ऑन संडे, इससे क्या होता है कि पूरा अर्थ हमारा सही सही आ जाता है हर प्रकार से।
ये भी आपका ठीक है, लेकिन अगर आप इसे आगे रखते तो और बेहतरीन यह होता, और बेहतरीन हो जाता। अब आगे देखें अगला, मिटा दूं उसको। अगला देखिए, लड़कों ने बादल होने के कारण वन भोज में जाने का, लड़कों ने बादल होने के कारण वन भोज में जाने का की योजना स्थगित कर दी या टाल दी। लड़कों ने बादल होने के कारण, इसे हम आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी। पहले तो आप टाल दी क्रिया हो गई, आपने प्रश्न किया, लड़कों ने सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। क्या होने के कारण? बादल होने के चलते। क्यों टाली? यानी भाई का प्रश्न हो गया, रीजन हो गया जी। कहाँ जाने का? वन भोज पर जाने का, है ना। तो अब आप देख लें, योजना आपकी हो गई। तो नवाइज पोस्टपोन द प्लान, यानी कि योजना टू गो टू द पिकनिक। अब ड्यू टू क्लाउड या ड्यू टू बीइंग क्लाउड, यानी कि फॉर बीइंग नहीं लगा कि बीइंग क्लाउड होने के कारण, यानी कि भी आ सकता है। ऑन बीइंग क्लाउड भी लगा सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ भी लगा सकते हैं, काफी है। ड्यू टू बीइंग क्लाउड्स यानी कि बादल होने के कारण, ठीक है। एक और लिख सकते हैं, एक और समझ लीजिए। नेहा शाम को सब्जी खरीदने के लिए इंदिरा गांधी पार्क कार से जा रही है। नेहा शाम को सब्जी खरीदने के लिए इंदिरा गांधी पार्क कार से जा रही होगी। ये भी देखें, बनाएं और देखें, बहुत ही सुंदर वाक्य है, और इसके बाद आप बनाना इसको लगभग सीख जाएंगे। और भी है, नेहा जैसे है, शाम को आपने लिया कि जाना है क्रिया, और रही होगी एक हेल्पिंग वर्ब की पहचान दे रही है, नेहा सब्जेक्ट हो गया, कौन जा रही है? नेहा जा रही है। तो आपने फॉर्म लिख दिया, नेहा विल जा रही होगी, शाम को जा रही होगी, विल बी, ठीक है। गोइंग कहाँ जा रही होगी आपने प्रश्न किया, इंदिरा गांधी पार्क, टू इंदिरा गांधी पार्क, ठीक है। किस लिए जा रही है? टू वाई वेजिटेबल, ठीक है। मतलब कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है? सब्जी का दिन रही है। कब जा रही है? एट इवनिंग। मैंने बताया ना, टाइम लगभग हर बार लास्ट में ही पहुंचता है, और बार बार इस वीडियो को देखिए और समझिए कि बनाने का तरीका क्या होता है। लंबे वाक्य जब आते हैं तो किस प्रकार से आप लंबे वाक्यों को पकड़ सकते हैं अच्छी तरह से।
घबराइए मत, लंबे बाप देख करके आप घबरा जाते हैं, लेकिन यह आपका सॉलिड है बनाने के एक मेथड है। अगले वीडियो में मैं आपको और सिंपल विधि एक होती है उसको बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसका सहारा लेते हैं तो आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा, किसी भी स्थिति में नहीं होगा। इसके बाद इसकी तीसरी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, और उस श्रृंखला को देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको ट्रांसलेशन बनाना, चाहे जितने बड़े वाक्य क्यों ना हो, आ जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।